अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप लोगों को बताती हूँ, आज है जुम्मा और हम लोगों को जाना है, जैसे कि आतर ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग जा रहे हैं हाइटी पे, तो इसलिए उसके प्रिपरेशन से स्टार्ट हैं। और मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा मेकअप करूँगी, मैंने अपने मेकअप ब्रशेस वगैरह निकाल लिए हैं, तो आइए देखते फिर के क्या होता है आगे। और अभी मैं जल्दी से फटाफट से तैयार हो जाऊंगी, उसके बाद हम लोग जाएंगे हाईटी के लिए। तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और मैं पूरी फुल तैयार हूँ। और मैंने ये वाला अबाया पहना है, ये वाला। ओ गॉड, लाइट चली गई है। डेस्टिनेशन बहुत करीब है, हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। ये हम लोग जाना है विलेज सॉल्ट पेपर, जो ये पहले था ना, इसका नाम क्या, क्लॉक टावर। हाँ, पहले ये सॉल्ट एंड पेपर था विलेज, और अब इसका नाम चेंज होके क्लॉक टावर हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं, आज हम लोग हाईटी करेंगे क्लॉक टावर। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं आप देखो यहाँ क्या होता है। बाहर का एक विजिट करवा दीजिए प्लीज। रेडी है तो फिर हम लोग लेने चले चलते हैं। चले मेरे साथ साथ चले आप। प्लेट्स क्या क्या है यहाँ पे, सारी वो हैं सैलेड्स, ये सब सैलेड्स हैं। ये वाली सैलेड लूँगी मैं, मैक्रोनीज वाली। ये चिकन जिंजर है, कुछ चिकन कढ़ाई है, ये इन सब की ना ये डिशेज को ऐसे ओपन करनी पड़ेंगी। इसके अंदर आलू मेरा
इसमें दाल है, बीफ हलीम है, पालक पनीर है, ये स्पाइसी पास्ता है, वाइट पास्ता, और मैं वाइट पास्ता निकालूंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, सो मैं टेस्ट करूंगी। थोड़ा सा मैंने वाइट पास्ता निकाल लिया है, सुने मैंने वाइट पास्ता ले लिया है, क्या चीज़? हाँ ले ले, शामी के बाद दो ले लें जी। मैंने पास्ता ले लिया, थोड़ा सा ही लिया है मैंने। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ओके ठीक है, दो ले लें, हर चीज़ दो दो ले लें ताकि मैं भी ट्राई कर लूँ और एक आप भी चख लें। ये क्या है इसके अंदर, क्या है? वाओ, ये भी ले लें, दो ले लें। समोसे ठीक है, एनीथिंग एल्स? व्हाट इज दिस? ले लें ये भी दो, ठीक है। और बिरयानी, और सूप आई थी ना, फ्राइड फिश है, ले लें फिश ले लें। और ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज हैं, ओके थोड़े से फ्रेंच फ्राइज भी जाएंगे। ले लिया आपने? ये क्या सॉसेज हैं? एक और प्लेट लेकर आऊँ, और एक हलवा पूरी है, और वो वहाँ क्या है, उधर क्या है? क्या है? रेशमी कबाब और चिकन स्पाइसी बोटी, रेशमी कबाब, और हाँ मैं यही देख रही थी, रेशमी कबाब और चिकन स्पाइसी बोटी है, ये भी बना रहे हैं। क्रैकर्स भी हैं तो ये भी ले लेते हैं, फिश क्रैकर्स। चिकन शाशलिक थोड़ी देर के बाद लेंगे, और ये एग फ्राइड राइस है, बाकी चिकन चाउमीन है, चिकन चाउमीन भी थोड़ी देर के बाद आएंगे लेने, तो अभी मैंने इतना कुछ लिया है बस। चिकन चाउमीन भी है इफ़ यू वांट टू टेस्ट। यार चमचे वगैरह, तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं अपनी जगह पे, और मैंने ये फ़िश क्रैकर्स भी ले लिए, मुझे पता नहीं था कैसे होंगे, तो ये खा लिया। मैं ये कह रही हूँ आप क्या लेकर आए? बिरयानी लाएंगे क्या? शाशलिक, शाशलिक है वो, बारबेक्यू, कौन सी बोटी है, और ये बन कबाब जो खा रहे हैं वो, ये कौन सा है? बन कबाब है नॉर्मल। तो गाइस अब हम लोग लेने जा रहे हैं डिजर्ट्स, मुझे दिल चाह रहा है दही बड़े खाने का, तो दही बड़े भी ले लेते हैं। यार सुने गोलगप्पे भी हैं क्या? ले लेते हैं ना, सैंडविचेस हैं क्या? व्हाट इज दिस? दीज आर ऑल सैंडविचेस? जामुन भी है, थोड़े से दही बड़े ट्राई कर लेते हैं, नन्हे से लिए हैं बस मैंने ट्राई के लिए लिए। और छोले भी ट्राई कर लेते चमचा। यहाँ तो डेजर्ट्स वगैरह ले रहे हैं, अब पता नहीं इन्होंने क्या क्या लिया है।
चॉकलेट ब्राउनी है, चॉकलेट मूज है। क्या क्या लिया है आपने? कस्टर्ड लिया है। क्या क्या लिया है आपने? हाँ, चॉकलेट मूज कैसा है? पाइनएप्पल कस्टर्ड। अच्छा, ओके, ठीक है, वेट करें, मैं ज़रा एक वीडियो बना रही हूँ। ये सब है मेरे, मैं यहाँ पर मेरी प्लेट में निकालते हैं आप। थोड़ा सा लिएगा, बिल्कुल कुछ चखने के लिए। और आपने लबे शीरी भी लिया है क्या? और ये चॉकलेट बॉल्स लिए हैं? चॉकलेट बॉल्स लिए हैं? ओके, ठीक है जनाब। आखिर में हमारे पास, हमने खा पी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मज़े की जो है वो हर चीज़ थी, बहुत मज़ा आया। और गुलाब जामुन चखनी है अभी मुझे कैसी है। और ये मैंने कुछ लिया था, कुछ अच्छा लग रहा था मुझे। और बाकी चाय है, चाय भी पीकर देखती हूँ कैसी है। गर्म हो रही है, अभी ठंडी हो जाए फिर पियेंगे। तरीके का लुक है उसका। मीठा मंगाया था तो मेरे लिए मीठा लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। मैं टी एंजॉय कर रही हूँ। शायद अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसा सेटअप है बाहर। सही से देखा नहीं था ना उस वक्त। अच्छा खासा हाउसफुल है। वाओ, कितना अच्छा सामान है। हाँ यार, यहाँ ठंडक बहुत है। ये किसी की बर्थडे शर्टे हो रही है यार। यहाँ पे अच्छा मज़ा है। आओ इस तरफ आए, थोड़ा सारा सी व्यू टाइप। यहाँ पे अच्छे आएंगे ना पिक्चर्स। वाओ, इतना मज़े का व्यू है यार इसका। वाओ, दिस इज सुपर ब्यूटीफुल। यहाँ किसी की बर्थडे शर्टडे हो रही है शायद। चले, खाली हो गया है तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। इस तरीके से ये पूरा इसका सेटअप है अंदर से, जहाँ से हम लोगों ने खाना लिया था। लॉबी स्टाइल बना हुआ है, यहाँ से वॉशरूम्स है सामने और ये एंट्रेंस है। थैंक यू नाकर। अच्छा, ये है हमारा वापसी का और हम लोग जा रहे हैं बाहर। यार ये कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे भी फ़ोटोज़ आ सकती हैं। आती यहाँ पे फ़ोटोज़ ले सकते हैं हम। इतने अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ। ले, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर, इनका ग्रुप शूट हो रहा है। हाँ, टीम होगी इनकी, टीम होगी। हाँ, इनकी टीम होगी। और ये इतना मज़े का मौसम है यार वापसी पे, इतना मज़े का मौसम है कि बस। वाओ, ये कौन सी बस आ गई है यहाँ पे? हाँ, ये कौन सी बस है यार? कितना अच्छा है ना, ये सूरज डूब रहा है, बहुत मज़ेदार वाला मौसम हो रहा है। वाओ, और वो मुझे ये कह रहा था कि थैंक यू सो मच इतनी अच्छी सी ट्रीट के लिए, थैंक यू। रिक्शा और फिर वहाँ से जाएंगे ग्रीन बस में।
ये क्या कपड़ा मार्केट है? कपड़ा मार्केट रिक्शा में बैठ गए हैं। अब हम लोग ग्रीन बस में बैठने जा रहे हैं। ये मुझे छोड़ेंगे ग्रीन बस तक, फिर मैं वहाँ बैठ के घर चली जाऊँगी। अगर तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई कि मैं वीडियो बना सकूँ तो बना लूँगी, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इतनी शोर है, इतना शोर है यहाँ पे, इतनी शोर की आवाज़ है, क्या करें। हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं और हम लोग अब जा रहे हैं ग्रीन बस में। ये रेड बस उतरी है यहाँ पे, हम ग्रीन बस में जाएंगे। इतना सिस्टम है, स्टेशन का मुझे तो लग रहा है वहाँ पे भी रिक्शा वाली खड़ जाएगी, नहीं चला जाएगा। हैं? पैसे देने पड़ेंगे आपको। इस तरीके से स्टेशन, ये वाला स्टेशन काफी बड़ा है, नुमाइश वाला। फर्स्ट टाइम मुझे फ्रंट सीट पे जगह मिली है। स्टार्ट हो गई है, अब हमारा स्टेशन आने वाला है, इंक्वायरी ऑफिस वाला स्टेशन जो है वो हमारा होगा। तो फिर हम लोग उतरेंगे वहाँ से और फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह अपने घर। हम लोग आ गए हैं, उतर गए हैं स्टेशन पे, अब मैं जाऊँगी अपने घर। और ये रही बस जिसके अंदर मैं थी, टाटा। व्यू चेक कर सकते हैं, ये व्यू आ रहा है। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अब हम जाएंगे ऊपर। उफ, थक गई मैं, जूस उतार रही हूँ यार, बहुत शदीद वाला पाँव में दर्द हो गया। थक गई।